26 साल का लड़का जिसे उसके चहेते रवसा कहते हैं, जिसने कुछ दिन पहले भाजपा का दामन थामा था, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने की वजह से लड़के ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। गांव वाले कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव मत लड़ो, कोई फायदा नहीं है, लेकिन लड़का कहता है कि जैसे मैंने 2019 में जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, वैसे ही मैं इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल करूंगा। लड़के ने जो कहा वो कर दिखाया। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बात कर रहे हैं। 28 अक्टूबर को रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 9 दिन बाद ही पार्टी से टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी ने 3,950 वोटों से जीत हासिल की। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिले के दुदोड़ा गांव के रहने वाले हैं। दुदोड़ा गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे शिव विधानसभा में आता है। बता दें, रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता भी रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी पिछले 3 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बता दें, शिव विधानसभा सीट पर पूरे राजस्थान की नजरें टिकी हुई थी। इस सीट की चर्चा सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी की वजह से राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हुई थी। चुनाव लड़ने से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि मैं शिव विधानसभा सीट के ऐसे इलाके में आ गया हूँ जहाँ आज भी पानी की कमी है, ढंग से सड़कें नहीं बनी हुई है, बिजली और मोबाइल के टावर भी नहीं है। मैंने अपनी यात्रा करते समय यहाँ के लोगों से वादा किया था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। नतीजे रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में आए। अब देखने लायक ये होगा कि रविंद्र सिंह भाटी अपने किए हुए वादों पर कितना खरा उतरते हैं। नमस्कार।